This movie is encoded by Toonworld for all.me. आखिरकार ये अपार समंदर और पूरा का पूरा हमारा। हाँ, बेहतर होगा हम चलें। समुंदर का ताज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमारे पास जो महान पावर है उसकी वजह से ये हो रहा। पर पक्का ना, ये खतरनाक नहीं है। खतरनाक मतलब? विंग्स को पता चला कि हम लौट आए हैं तो? ओह वो, उनको इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं? इंसान पूरी दुनिया के सभी समुंदर को दूषित कर रहे हैं और इसकी वजह से समुंदर का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। अथाह समुंदर मैजिक्स के सारे समुंदर से मिला हुआ है और ये एकदम सही मौका है उन बेवकूफ परियों का फायदा उठाने का। यहाँ कोई राजा या रानी नहीं है, इसलिए इसके बैलेंस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये एकदम सही मौका है इस पर राज करने का और विंग्स हमें बिल्कुल नहीं रोक सकते। जब हमें सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो सारे पावर्स को ले लेंगे और क्वींस बन जाएंगे। बस तुम्हारा ट्राइटेनस रास्ते में ना आए। ट्राइटेनस अब कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता क्योंकि वो ओब्लिवियो के जेल में है और अब वो वहीं रहने वाला है। तो ये सिंहासन अब हमारा है, चलो इस पर बैठते हैं। ट्रिक्स का राज। हो गया। स्टेला, आप क्या हुआ? जल्दी करो, इस साल के नए स्टूडेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं और हम पहले ही 1 मिनट 35 सेकंड लेट हो चुके हैं। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। स्टेला को तो हम जानते ही हैं, वो जरूर लेटेस्ट ग्लासेस ढूंढ रही होगी। तुम ये क्या कह रही हो? स्टेला ग्लासेस कहाँ पहनती है? हाँ, इसमें फनी क्या है? कुछ नहीं स्टेला, बस तुम एक नमूना हो। अब मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतनी यूनिक। तुम्हारी डिक्शनरी में यूनिक होने का मतलब लेट होना भी होता है क्या? नई लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बस हम पहुंच रहे हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तो ये हमारे साथ बहुत खड़ूस थी, अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं फिर भी ये नहीं बदली। रसला पत्थर है, सख्ता ठंडा। परियों के स्कूल एल्फिया में आपका स्वागत है। लड़कियों, विंग्स क्लब ने आपके लिए एक खास तरह का स्वागत प्लान किया है, आप लोगों को अपना कोच चुनने में हेल्प करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टेला, लाइट कम कर दो। समझ लो, हो गया। ये वो स्पॉटलाइट है जो हमारे लिए है। स्टेला, कम ऑन, ये कोई फैशन शो नहीं है। इससे एक बात तो अच्छी हो गई, हमें सबका अटेंशन मिल गया। हाय एवरीवन, हम हैं विंग्स। बताना चाहते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट होने के नाते क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ऑलराइट टिकना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? हम एक सिंपल चीज से शुरू करेंगे। ओह एक मिनट, होलोग्राम कैसा रहेगा? क्या बात है, क्या बात है, कितना अद्भुत लग रहा है। आपको पता होगा कि आपने यहाँ आना क्यों चूज किया है, क्योंकि आपको अपने अंदर के जादू को बाहर लाना है। हो सकता है वो जादू म्यूजिक के लिए हो। या फिर नेचर के प्यार के लिए। आप सबको सबसे पहले अपने अंदर के पावर को ढूंढना होगा और फिर और चमकना होगा। और याद रखो, आप सब एक परी हैं, आपका अपना एक जादू है, बस उसे ही ढूंढना है। बाय। हे
सॉरी गर्ल्स, लेकिन मुझे जाना होगा। स्टेला को आपकी हेल्प करके खुशी होगी। ओके, तो चलो अपने ग्लासेस पहन लो ताकि मैं इनकैंडिसेंट लाइट्स की जादू बताऊं। तो ये जो लाइट्स होती हैं वो ये क्या है? मोतियाबिंद अस्पताल के बचे कुछ ग्लासेस? ए वाला। हाँ, अब तुम लोग थोड़ी ठीक लग रही हो। अफसोस है कि मैं लड़कियों के साथ और नहीं रुक सकी, लेकिन किको तुम्हें तो पता है ना कि मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। गार्डियन लिया चलने को तैयार हो? पूरा दिन मैं और स्काई एक साथ था। आजकल के ये मोबाइल फोन। सिंहासन, इस बार हमारा प्लान फेल हो ही नहीं सकता। यकीन नहीं है? ठीक है, चाहो तो वापस जा सकती हो। हमने ये तो नहीं कहा कि हम साथ नहीं हैं। बस ये है कि तुम्हारे प्लान्स अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हमें जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। हाँ, इस बार का तुम्हारा आइडिया सही लग रहा है कि यहाँ कोई भी सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं है। अभी ये सब कर्ज बस हमारा है। बहुत हुई प्लानिंग, अब मैं इस सिंहासन पर बैठूंगी और इस अपार समुंदर की क्वीन बनूंगी। रुको जरा, ये कैसे पता कि यहाँ की क्वीन तुम ही हो? हाँ बिल्कुल, हम ही तो हैं। अगर तुम लोगों को इस बात से दिक्कत है तो मैं उसे दूर कर दूंगी इस तरह से। मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर रही हूँ, तो क्वीन भी मैं ही बनूंगी। ये क्या, आखिर ये सिंहासन काम क्यों नहीं कर रहा है? सीधी बात है, सिंहासन को तुम पसंद नहीं आई सिस्टर। हटो, ये सिंहासन मेरा है। तुम्हारे लिए ही क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ? क्वीन तो मैं ही बनूंगी। वो देखा जाएगा। तुम मेरे राज से हटो। जाओ। क्यों? ओ डार्सी, ओ क्या है वो? क्या है ये? नहीं हो सकता। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, नो टेक्स्ट नो फोन। कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। तुम्हारा प्यार मुझे कुछ नहीं होने देगा। स्काई, कहाँ थे अब तक? सॉरी, मैं कब से आना चाहता था लेकिन मॉल के एस्केलेटर में मैं 2 घंटों के लिए फंस गया था। यही बहाना मिला था तुम्हें? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। इतना कि अब शायद तुम्हारे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हें तो पता है मेरे राजा बनने के बाद से मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और मैं उन जिम्मेदारियों को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन वादा करता हूँ हमारे बीच ये सब कुछ नहीं आएगा। हम दोनों पूरे दिन एक साथ होंगे और हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा, वो भी बिना किसी राजा रानी वाली जिम्मेदारी के। बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह हम अपना दिन एंजॉय करेंगे। नॉर्मल कपल? नॉर्मल और प्यारे कपल। मैं कह रहा हूँ ना, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो क्या था? डार्सी, टॉमी हम आ रहे हैं। सिंहासन, इसको क्या हुआ? इसकी गलती थी। बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। आइस वोर्टेक्स। ये क्या? दिमाग, इस तरह तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। ये तो तुमसे बात कर रही है।
तुमने हमें क्यों बुलाया? हट जाओ, वो सिंहासन हमारा है। सच में? ऐसे कैसे? तुम लोग इस इन्फिनिट ओशन की क्वींस हो? अब तक तो नहीं, लेकिन जल्द ही ये हमारा होगा। जैसे ही हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे, ये सारा पावर हमारा होगा। तो तुम्हें पावर चाहिए, किस लिए? हम तुम्हें क्यों बताएं? इससे तुम्हें क्या लेना देना? सिस्टर्स, कोशिश भी मत करना। मेरा जादू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरा जादू भी। भूल जाओ, ये बहुत ताकतवर है। वैसे तुम हो कौन? कुछ तो समझदारी की बात की तुम बददिमागों ने। मैं पॉलिटिया हूँ। पॉलिटिया? पर लेकिन हमने तो तुम्हारी पिटाई की है। तुमने मेरी पिटाई करके मुझे उस जादू से आजाद कर दिया, जिसकी वजह से मैं शरीर में कब से कैद हूँ। और उसी जादू की वजह से मैं सिंहासन में बंद गई थी। मुझसे लड़ते समय तुमने जैसे ही मुझे छुआ, मेरी पावर तुम्हारे शरीर में चली गई और उसके साथ ही मेरा जादू टूट गया। लेकिन मैं इतनी कमजोर थी कि फिर भी यहाँ वापस नहीं आ सकती थी। पर इन बेवकूफ इंसानों ने समुद्र को दूषित करके मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। हमें बहुत जानकारी मिल गई तुम्हारी। अब सिंहासन से नीचे उतरो। क्यों? तुम्हें पता ये सिंहासन काम नहीं करेगा। सही कह रही है, ये काम नहीं कर रहा है। पर ये गलत है, ये सही नहीं है। ये सिंहासन केवल ट्राइटेनस की बात मानता है। हाँ, लेकिन ट्राइटेनस तो हमेशा के लिए ओब्लिवियो में गायब हो चुका है। पर वो ही सिंहासन का असली वारिस है। क्या? तो इस सिंहासन पर बैठना बेकार है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें सिंहासन पर ही क्यों बैठना है? तुम्हें तो इसकी पावर चाहिए ना, और उसे पाने के तो और भी रास्ते हैं। क्या ऐसा कोई पावर है जो दूसरे राजाओं से ज्यादा ताकतवर है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसकी कीमती जानकारी के लिए हमें डील करनी होगी। जो मैंने देखा क्या तुमने भी देखा? हाँ स्टॉमी, हमारी सिस्टर अब उसके साथ मिल गई है और हमें इग्नोर करने वाली है। बिल्कुल, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। अच्छा तो आज क्या करना चाहोगी? चलो आइसक्रीम खाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, आज हम बहुत मजे करेंगे। हाँ, आइसक्रीम वाला मिशन तो पूरा हुआ। अब मेरी प्रिंसेस की अगली विश क्या है? स्काई, मुझे प्रिंसेस कहना बंद करो। पर क्यों ना कहूँ, तुम एक प्रिंसेस ही तो हो। हाँ, लेकिन आज मैं छुट्टी पर हूँ। हे, ये छोटा पप्पी तुम्हारे पीछे आ रहा है। हाँ? इसे मेरा प्यार चाहिए। हाँ, और आइसक्रीम भी। हे, कोई बात नहीं, चलो फिर से आइसक्रीम लेने चलते हैं। तो मजा आ रहा है? हाँ, तुम्हें ये चाहिए? ये लो। चलो चलते हैं।
सच में आज का दिन बहुत बिजी था। मेरे साथ अच्छा तो लगा ना? हाँ, वैसे मुझे लगता है कि आइसक्रीम के लिए हम फिर से चल सकते हैं। देखा, तुम्हारा जादू काम कर रहा है। ओ अच्छा, ये कैसा पावर है? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरे लिए टाइम निकालते हो और मुझे खुश रखते हो। अच्छा तो आप किस बात का इंतजार है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ट्राइटेनस से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कोई रास्ता है? एक जादुई मोती हुआ करता था जो बहुत समय पहले गुम गया था। वो इस इन्फिनिट ओशन में बैलेंस रखता था। अब वो मोती जो ढूंढ निकालेगा उसे सबसे बड़ी पावर मिल जाएगी मैजिक डायमेंशन की। ओह सच में? हम इस मोती को ढूंढेंगे कैसे? मुझे कैसे पता होगा, वहाँ सिर्फ राजा रानी जा सकते हैं। क्वीन बनने के लिए ये कुछ ज्यादा ही मेहनत है। और हमने इतना जो किया सब बेकार गया। कभी कभी मुझे लगता है कि हम बेकार में अपने बिस्तर से उतरते ही क्यों हैं। पॉलिटिया मुझे ये बताओ कि हम उस मोती तक कैसे पहुँच सकते हैं? उसके लिए तुम्हें ट्राइटेनस को आजाद करवाना होगा। ठीक है, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? हम दिखते कम दिमाग है पर है नहीं। बद दिमाग जादूगरनियों, ट्राइटेनस तुम्हारे दिमाग को रिपेयर कर सकता है। बस उसे तुम्हें अपनी बातों में लाना होगा कि तुम लोग उसकी दोस्त हो, फिर देखना वो तुम्हारा पपी डॉग बन जाएगा। ट्राइटेनस को पता नहीं है ना तुम्हारे बारे में? अगर तुम नहीं बताओगी तो उसे पता नहीं चलेगा। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें उस मोती तक पहुंचा सकती हूं जिसे इस मोती के बारे में पता है कि वो कहां छुपाया गया है और कैसे उसे पा सकते हैं। हम मान भी जाएं तो तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? मेरी आजादी, इससे कीमती कोई चीज नहीं। अभी मैं सिंहासन से बंधी हूँ, देखो मेरी तरफ, मैं भूतनी लग रही हूँ। ट्राइटेनस को ओब्लिवियो से कैसे आजाद किया जा सकता है? उसके लिए एक बहुत ताकतवर जादू है जिसे तोड़ने के लिए हमें एक राजकुमार की पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हम उसे वहाँ ले जाएंगे। जवान राजा? हाँ? हम किसी ऐसे को जानते हैं जो हमारे गाँव का है ना गर्ल्स? ये हुई ना बात। मेरी ख्वाहिश है कि हर दिन आज के दिन जैसा ही हो। ये क्या हो रहा है स्काई? ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू किया है। तुम तो उससे भी ज्यादा समझदार हो जितना मैंने सोचा था। परी ट्रिक्स, परेशान बिल्कुल मत हो, क्योंकि हम आज यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, इसलिए ये तुम्हारा लकी डे है। तो किसके लिए? अभी बताती हूँ कि मैं किसके लिए आई हूँ। बस इतना ही कर सकती हो तुम? ब्लूम, इनसे उलझने का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से, हमें वो सही सलामत चाहिए। स्काई। ब्लूम, गुड बाय, अब तुम्हारी बारी है। नहीं स्काई, संभालो। स्काई, मैं आ रही हूँ। अब मेरी बारी है। फिक्र मत करो परी, एक पर हम यहाँ तीन हैं। लावा जाब। अब एक पर दो बचे। स्टॉमी हट जाओ। स्काई उठो, उन्हें बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तो बस वार्म अप कर रहा था। तो मैं तुम्हें ठंडा कर देती हूँ। कहाँ गए? डार्सी, आती हूँ। चलो उन्हें ढूंढते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ब्लूम, तुम्हें अपने कीको को हमारे हाथों में नहीं छोड़ना था, लेकिन छोड़ दिया। ब्लूम, स्काई को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारे पंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके लिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। बेवकूफ कहेंगे। लावा जाब।
इसे मुझे संभाल ले दो बहन। आ जाओ मेरे पास। अब देखते हैं तुम क्या करते हो हीरो। शैडो टेंटिकल्स। तुम नहीं जीतोगे, हार मान लो। ये तो वक्त बताएगा। गर्ल्स, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तुम लोग स्काई को नहीं ले जा सकते। रुक जाओ सिस्टम, मैं इसे देखती हूँ। बहुत आसान था। चलो अब बच्चों का खेल बंद करो। हे, इस तरह तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। अच्छा तो एक प्यारे से खरगोश को रोस्ट करना कैसा रहेगा? कीको, नहीं। स्काई, तुम ठीक हो? हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। चलो देखते हैं। डांसिंग फ्रेम। कॉलमी, शुरू हो जाओ। वाह, इस परी को सोने दो और इस राजकुमार को ले चलो। अपार समुंदर का पावर हमारा इंतजार कर रहा है। स्काई। पॉलिटिया, हम वापस आ गए और जैसा कि वादा किया था, ये रहा एराक्लियो का स्काई। बहुत बढ़िया। अब जल्दी करो, विक्स देर सवेर यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसे ही हम ट्राइटेनस को बुलाएंगे, राजा रास्ते बंद कर देगा और विंक्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। अब स्काई को सिंहासन से बांधो। बहुत बढ़िया। और अब हो गया। ट्राइटैनस, ये जिंदा है? हाँ, स्काई से तो ज्यादा। ठीक है, लेकिन हम इसे जगाएंगे कैसे? अभी जग जाएगा, लेकिन इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस सब में शामिल हूँ। अब आगे इसे तुम्हें संभालना होगा। हमारे इस कठपुतली को नचाने में मजा आएगा। सही कहा, इसे हम तक वापस लाने के लिए इसकी कोई चीज लानी होगी। कोई ऐसी चीज? इसका ये त्रिशूल। कोशिश कर सकते हैं, पर हमें हमारी पावर जोड़नी होगी। ब्लिज़र्ड डार्क स्पेल, लाइटनिंग बोल्ट। अरे ये तो जगह ही नहीं। देखो, हमारे प्लान को याद रखना। हमारे महाराज। तुम, मैं कहाँ हूँ? सिंहासन? इन्फिनिट ओशन? जी हाँ महाराज, आप अपार समुंदर में हैं और ये सिंहासन आपके इंतजार में। मुझे ओब्लिवियन से बाहर निकालने में सफल हो गई। बिल्कुल, हमने आपको आजाद करने के लिए कुछ काले जादू और कुछ जादुई दवाइयों का इस्तेमाल किया और देखिए आप यहाँ आ गए। आखिर आप आजाद होकर यहाँ पहुँच ही गए। अब बदला लेने का टाइम है और हम इसकी शुरुआत करेंगे ब्लूम से। अरे हाँ, मुझे याद है, हमने लड़ाई की थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्यों। हमने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। हमारे पास उसका बॉयफ्रेंड है स्काई, जिसकी वजह से आप आजाद हुए हैं। उसके साथ यही होना चाहिए। ये रहा आपका कांटा, मतलब त्रिशूल महाराज। क्या अब हम आपके विश्वास पात्र प्रजा कहलाने लायक हैं? आराम से, ऑब्लिवियन की कैद ने आपको कमजोर कर दिया। मेरा सिंहासन, मेरी ताकत वापस कर दे। मेरी मदद करो। जी ठीक है। महाराज, मुझे पता है आप थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें जल्दी से जल्दी राज्य की सीमा को बंद करना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि हम यहाँ हैं। खासकर विंग्स को, आप अभी उनसे लड़ने की हालत में नहीं है। वो बेवकूफ मेरी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, मुझे याद आ गया। Mm-hmm.
मैंने सीमा को चारों तरफ से बंद कर दिया, अब मुझे आराम करना। हाँ महाराज, आप आराम कीजिए और मैं आपको उन परियों की कहानी सुनाऊंगी जिसने किस तरह से हमारे महाराज को धोखा देकर उन्हें कैदी बनाया और अपार समुन्दर के पावर को छीन लिया। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जिसमें इन सब से ज्यादा पावर है, जिसे आपके दुश्मनों ने छुपा के रखा है। अच्छा, और वो कौन सी चीज है? हमारे पास अभी जो जानकारी है वो पूरी नहीं है, लेकिन अगर वो चीज यानी वो मोती मिल गया तो आपको इस यूनिवर्स में कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन वो मोती तो बहुत पहले गायब हो चुका था और कोई नहीं जानता वो कहाँ है। ये सच नहीं है, कोई है जिसने इस मोती को छुपा के रखा हुआ है। जो चीज आपकी होनी चाहिए वो उसकी है और उसका नाम है ओमनिया। हाँ, ओमनिया। अगर उसे पता है कि मोती कहाँ है तो उसे मुझे तुरंत लौटाना होगा। मुझे पता है वो कैसे बताएगी, हर हाल में। बिल्कुल, आपको उसे पूछना होगा और कोई आपकी बात को काट भी नहीं सकता। मैं अजय हो जाऊंगा और मेरी जीत सबसे बड़ी होगी। तो चलो, अब इंतजार किस बात का, बदला लेने में वक्त जाया नहीं करते। अजीब फीलिंग हो रही है, मरी हुई मछली तो नहीं खा ली। जादूगरनिया ब्लूम, तुम कहाँ हो? गुडनेस, तुम ठीक हो? मैंने तुम सबसे कहा था ना कि इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या तुम बैठ सकती हो ब्लूम? हाँ, लगता तो है। अरे हटो, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे देखने दो, कैसी है ये स्टेला? हे रुको, तुम ठीक तो हो ना? पक्का ठीक हो? मैं बहुत टेंस्ड हो गई थी जब मैंने तुम्हें जमीन पर पड़े देखा। और प्लीज स्टेला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। आइंदा ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें जमीन पर गिरना पड़े, समझ गई? पर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे और यहाँ कैसे ले आए? तुम्हें इसलिए ढूंढने आए थे कि इन्फिनिट ओशन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। हम जानते थे तुम गार्डियन एम एस काई के साथ हो, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा तुम जमीन पर पड़ी हो और बेहोश हो। ये सब ट्रिक्स ने किया है ना? और स्काई का क्या, वो कहाँ है? ओ नहीं, अब मुझे याद आया, ट्रिक्स ने स्काई को किडनैप कर लिया है और हमें उसे। शांत हो जाओ, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। देखो, हमें सारी बात बताओ ब्लूम, हम सब ठीक कर देंगे, तुम देख लेना। अचानक ट्रिक्स हमारे पास आ गई और वो बहुत पावरफुल थी, मैं उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर पाई। कह रही थी उन्हें स्काई की जरूरत है। ओ, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। वो तीन चुड़ैले, अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया, हमें इन्फिनिट ओशन चलकर स्काई को बचाना होगा। जरा मुझे उठाना, क्या बात है? क्या बात है बताओ, क्या छुपा रही हो? इन्फिनिट ओशन को बंद कर दिया गया है, ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। विंग्स को आगाह कर दो। आई एम सॉरी ब्लू, ओमनिया हम तक इतना ही मैसेज पहुंचा पाई थी और वो कुछ और कहती उससे पहले कनेक्शन कट गया। ऐसा नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो होगा ही, सारे रास्ते बंद नहीं होते। टेकना बताओ ना, तुम्हारे पास इसका जरूर कोई जवाब होगा। अब ये बटन दबाना बंद करो और कुछ ढंग का काम कर लो, बताओ जल्दी। मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अपार समंदर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। मैडम फेरेगोंडा, अब हम क्या करें? अपार समंदर तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है, क्या आप वही तो नहीं सोच रही? हाँ हाँ, ये वही सोच रही है कि उन तीनों सौतेली बहनों को पकड़कर पिटाई करके उनसे ही रास्ता खुलवाने का। अगर कोई भी रास्ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं जरूर जाऊंगी। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो ट्रिक्स ने ही अपार समंदर के रास्ते को बंद किया होगा, पर एक रास्ता है जो खुला हो सकता है। जल्दी बताइए, टेंशन से मेरी स्किन खराब हो रही है। ओब्लिवियन वाला रास्ता, वहाँ अब तक कोई नहीं गया है क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ से बचकर कोई भी वापस नहीं लौटता।
मैं वहाँ की उस खास तरह की एनर्जी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हूँ। ओब्लिवियम एक बहुत बड़ी जेल है, अगर हम एक बार उसके अंदर चले गए तो कभी वहाँ नहीं आ पाएंगे। पर मैं जा रही हूँ और किसी से नहीं कह रही हूँ साथ आने के लिए। हो सकता है कि हमें ओब्लिवियम में हमेशा के लिए कैदी बनाया जाए, और मैं नहीं चाहती तुम लोग ये रिस्क लो। लेकिन मुझे जाना होगा, स्काई को बचाने के लिए मैं हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से हमसे पीछा छुड़ा सकती हो? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। हम सब तुम्हारे साथ आएंगे। बिल्कुल आ रहे हैं। ट्रिक्स को नहीं पता उन्होंने किन से पंगा लिया है, बेचारी चुड़ैलें। हे दोस्तों, मैंने उस जगह को ढूंढ लिया, वो रास्ता पूरी तरह खुला है। हम जाने के लिए तैयार है मैडम फेरेगोंडा। इसे संतुलित करना बहुत मुश्किल होता है गर्ल्स। यहाँ से कितना डरावना लग रहा है जबकि हम वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं। ब्लूम, सच में जाना चाहती हो? हाँ मैडम फेरेगोंडा। रेडी गर्ल्स? रेडी। ऑल सेट? यस। तो चलो। ब्लूम, ड्रैगन फ्लेम की परी। फ्लोरा, नेचर की परी। आयशा, वेव की परी। याद नहीं है? तुमने उसे छोड़ दिया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल झूठ है। और किसने कहा ये? तुम्हें लगता है तुम हर बार सही होती हो? आखिर स्काई किसकी वजह से किडनैप हुआ है? तुम्हारी वजह से। नहीं, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम किसी काम की नहीं हो, बेकार हो तुम। ये सच नहीं है, मेरे फ्रेंड्स, स्काई। तुम्हें क्या खास है? कुछ भी नहीं, तुम्हारा जादू बस एक भ्रम है।
नहीं, ये सब झूठ है। कुछ तो ऐसी जरूरी बात है जो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आराम करो, अपने दोस्तों को भूल जाओ, अपने जादू को भूल जाओ, स्काई को भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, कोई मेरी हेल्प करो। स्काई, स्काई कौन है? स्काई कोई नहीं है। अब आराम करो। नहीं, स्काई, वो किडनैप हुआ है ट्रिक्स, और ये तो ओब्लिवियन है। यहाँ कोई नहीं है, मुझे सबको ढूंढना होगा और इस जादू को तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कहाँ हूँ? उम्मीद है सारी लड़कियां अब तक जग गई होंगी। मुझ पर यकीन करना ही होगा। अगर ये सच में तुम ही हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जब हम फ्राइडे को डिनर के लिए गए थे तब मैंने कौन सी कलर की स्कर्ट पहनी थी? येलो गोल्ड ब्लूम। उस स्कर्ट को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन हम इस वक्त कहाँ हैं ब्लूम? ये ओब्लिवियन है, पर मुझे यकीन है कि हम साथ में यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। हमें बाकियों को भी जगाना होगा, चलो। मुझे कुछ याद। हाँ, मुझे भी यही हुआ था। अगर हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हो तो यहाँ कोई मसाज करने वाला मिलेगा या फिर कम से कम मैनिक्योर के लिए कोई। मोसा, उठो। सुनो, कॉन्सर्ट कब शुरू होने वाला है? या एक बढ़िया सा अरोमा बाथ। स्टेला, बाथ में टेक्नो और आयशा को जगाने में मेरी मदद करो। चला, हम कहाँ हैं? मैं सपना देख रही थी और तभी तुम्हारी आवाज सुनी मैंने, किसी मजाक के बारे में। एक बात बताऊं, मुझे भी ये सपना आया था लेकिन जागते हुए। फ्लोरा, ये कौन सी जगह है? क्या हम ओब्लिवियन में हैं? नहीं नहीं, हम तो मॉल के 50% सेल की लाइन में हैं। ये मजाक कर रही है, अगर कहीं भी 50% सेल लगी हो तो मुझे पक्का पता होता है। चलो अच्छा है, ये मजाक है। चलो, सब साथ हैं। हाँ, पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? किसी को कोई आइडिया है? मुझे लगता है इस जगह की एनर्जी हमें कंफ्यूज करके हमें एक दूसरे से अलग कर रही है और हमारी असली मेमोरी को भी डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन हम फिर से मिल गए हैं तो चलो खेल शुरू करें। हाँ बिल्कुल, अब पहला काम है रास्ता ढूंढना, पर खुद का बैलेंस रखना थोड़ा मुश्किल होगा। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। विंग्स कन्वर्जेंस, पकड़े रखो गर्ल्स, हम पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है विंग्स को मेरा मैसेज मिल गया हो। वही हमारी हेल्प कर सकती है। हे, देखो वहाँ कोई आ रहा है। ओ नहीं, जल्दी करो, मेरे पीछे छिप जाओ। जल्दी करो, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। जा रही हो नन्नी बच्चियों? ओमनिया, क्या पुराने दोस्तों से ऐसे मिलते हैं? ट्राइटानस, तुम ओब्लिवियन से बचकर बाहर कैसे आ गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम चुड़ैल, ये क्या कर दिया तुमने? जानती भी हो किसे आजाद किया है? बिल्कुल पता है, मेरी प्रजा को मुझ पर भरोसा है। ये लोग तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है। मुझे नहीं पता इस बार तुम क्या करने वाले हो, लेकिन जो भी हो तुम्हारा वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था।
इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है दरिंदे। तुमने मुझे क्या कहा? वही जो कहना चाहिए था। मैं तुम्हें बस बहुत हुआ, हम यहाँ चुगली करने नहीं आए। डार्क लाइटनिंग। ओम्निया, हार मान लो। अपने राजा की शक्ति को कम मत समझो ओम्निया। तुम चाहते क्या हो मुझसे? एक छोटी सी जानकारी। तुमने उस मोती को कहाँ छुपा रखा है? वो मोती जमाने पहले गायब हो गया था। जरा संभल कर धोखेबाज, मुझे अच्छी तरह पता है उसे तुम ही ने छुपाया है। अब मैं सिर्फ एक बार और पूछूंगा, तुमने मोती कहाँ छुपाया है? हम पहुंच गए। पता है, जब भी हम इस इन्फिनिट ओशन में आते हैं, इसके साइरेनिक्स पावर से हमारे बाल कितने अच्छे शाइन करने लगते हैं। हमें जरूरी बात पर ध्यान देना है, वैसे ये भी जरूरी ही है। हे, वो देखो, गर्ल सिंहासन कन्वर्जेंस ने काम कर दिया। हाँ, हम है ही ऐसी। मुझे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, ये क्या हो सकता है? ट्रिक्स कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, स्काई नहीं दिख रहा। चलो नजदीक जाते हैं। यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है। ओह, ये कितनी आरामदेह जगह है। ब्लूम, स्काई, शुक्र है ये जिंदा है। स्काई, माय लव। ब्लूम, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम मेरी चिंता कर रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। ट्रिक्स ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है ट्राइटेनियस को ऑब्लिवियन से आजाद करवाने के लिए। तो हम अपना मजेदार काम शुरू करें। हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। चलो गर्ल्स, इसे तोड़ देते हैं। चलो साथ में जोर लगाते हैं। रुको, यहाँ कुछ अजीब है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये कोई साधारण जेल नहीं है। यहाँ की एनर्जी स्काई के प्राण शक्ति से जुड़ी हुई है, जो इस सिंहासन की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है। ये भयानक हो सकता है। चलो देखते हैं ये कितना भयानक होगा। मतलब हमसे कोई भी बड़ी गलती हो सकती है? स्काई को बचाने की जगह गलती से हम उसकी जान ना ले लें। ब्लूम, मुझे यही छोड़ दो, बस तुम यहाँ से निकल जाओ। पर स्काई, तुम सब यहाँ खतरे में हो। ट्रिक्स ने यहाँ बहुत जाल बिछा रखे हैं, संभल के। परियों, तुम्हारा स्वागत है। कौन हो तुम और ट्रिक्स कहाँ है? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बलून स्कर्ट आजकल फैशन में नहीं है? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम उन ट्रिक्स के साथ हो तो ध्यान में रखो, मैं स्काई को जरूर बचाऊंगी। ओ, ये नौजवान राजा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, और मुझे खुशी होती अगर मैं इसे सही सलामत तुम्हारे हवाले कर देती, पर मुझे इसकी जरूरत है। ये चुड़ैले दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को चुराने की गंदी आदत क्यों पाल रखती है? क्या अपने लिए कोई और नहीं ढूंढ सकती? मैंने कहा उसे जाने दो। ध्यान से परियों, इस तरह से कोई और भी घायल हो सकता है। स्टेला, तुम ठीक हो? ब्लूम, पॉलिटिया बहुत पावरफुल है, तुमसे भी ज्यादा। तो फिर हम सब एक साथ लड़ेंगे? हाँ, साथ में। तो देखे वो मुकाबला कैसे करती है। वो कभी भी विंग्स को नहीं हरा सकती। ठीक है परियों, मुझे लगता है तुम लोग ताकतवर हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे हरा पाओगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना यकीन नहीं करती। ये क्या है? हुँ?
संभल के पानी के राक्षस। मैं तुम्हें उस मोती के बारे में कभी नहीं बताऊंगी, उसके बारे में भूल जाओ। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी महाराज, इसे सबक सिखाना ही होगा। ठीक कह रही हो, और इसका सबसे पहला सबक है। नहीं, इन्हें कुछ मत करना। जो मैं जानना चाहता हूँ मुझे बता दो, वरना। अगर मैंने तुम्हें मोती के बारे में बता दिया तो क्या इन्हें छोड़ दोगे? बिल्कुल, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की या मुझसे झूठ बोला तो मैं वापस आकर एक एक को छोड़ूंगा नहीं। ओम्निया, नहीं, इसे मत बताना। अब टाइम बर्बाद करना बंद करो और बताओ कि मोती कहाँ है। हमने तुमसे राय नहीं मांगी चिंटी मिंटी। चिंटी मिंटी किसे कहा? टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी बताओ। तुम जीत गए ट्राइटेनस। गर्ल्स संभालो। ध्यान से। ये खुद को क्या समझ रहे हैं? क्या ये सब यहाँ मॉडलिंग करने आए थे? वर्चुअल प्रोटेक्शन नेचर किक। ये तो बहुत सारे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। वॉइस ऑफ साइरेनेक्स। ये काम नहीं करेगा। वो सही कह रही है, बेकार है। पोलिटिया को पकड़ना होगा, वो इनको कंट्रोल कर रही है। तुम उस चुड़ैल को संभालो, मैं इन राक्षसों को देखती हूँ। ओके, चलो। ऑलराइट गर्ल्स, तो सब तैयार है? तैयार है। पीछे हटो। डायमंड ऑफ लाइट। स्काई को छोड़ दे चुड़ैल। इतनी जल्दी क्या है? आयशा, एक साथ अभी। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया है ना? तुम्हारा प्यारा स्काई अब मेरा है। नहीं, आयशा, ब्लूम। ब्लूम, ये प्यार देख के दिल भर आया, लेकिन मेरे जादू को कोई नहीं तोड़ सकता, ना अभी ना ही कभी। ब्लूम, जाओ ओम्निया को ढूंढो, सिर्फ वही तुम्हारी हेल्प कर सकती है। मुंह बंद रखो। पोलिटिया, उसे कुछ मत करो। बेवकूफ परियों, मैं तुम लोगों को अपना प्लान खराब नहीं करने दूंगी। ब्लूम, मेरी चिंता मत करो, ओम्निया के पास जाओ, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती स्काई। ब्लूम, ऐसे हम स्काई को नहीं बचा पाएंगे, और हमें पता भी नहीं है कि उस पर किस तरह का जादू किया है। ब्लूम, जाओ प्लीज। ठीक है, ओम्निया के पास चलो। विंग्स, नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। राक्षसों, हमला करो। ओह नो, वो देखो। ये लो, फिश फेस। स्टेला, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे बाल तो ठीक है ना? शायद उसे फिश फेस कहलाना पसंद नहीं। पोलिटिया सिंहासन से बन गई है, हमारा पीछा नहीं कर सकती। लेकिन ये कर सकते हैं। पकड़ो उन्हें, जाने मत देना। हमें इन्हें भगाना होगा। ठीक है, चलो उस गुफा में चलते हैं। Thank you.
मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, हम दोनों को एक साथ उस दरवाजे को तोड़ना होगा। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया गर्ल्स, अब चलो ओमनिया के पास। मुझे माफ करना मेरी नन्ही दोस्तों, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। ओमनिया, देखो कोई आ रहा है। ये तो विंग्स है। गर्ल्स, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। ओमनिया, तुम ठीक तो हो? ट्रिक्स और ट्राइटैनस यहाँ आए थे। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। ये क्या हो रहा है? ट्रिक्स ने स्काई को किडनैप किया है और स्काई को किडनैप किया, उस बदबूदार ट्राइटैनस को आजाद करवाया, एक बेकार सी ड्रेसिंग सेंस वाली जेलीफिश से हाथ मिला लिया और स्काई को उस सिंहासन के अंदर कैद करके। स्टेला, क्या मैंने क्या कहा? हमें बताओ तुम पोलिटिया के बारे में क्या जानती हो? स्काई सिंहासन के अंदर कैद है और मुझे नहीं पता उसे कैसे बचाओ। पोलिटिया, मुझे पता होना चाहिए था कि इसके पीछे उसी का हाथ है। ब्लूम, आई एम सो सॉरी। लेकिन स्काई को ही क्यों? और इस बार ट्रिक्स को क्या चाहिए? पोलिटिया और ट्रिक्स ने स्काई का इस्तेमाल करके ट्राइटैनस को कैद से छुड़ाया ताकि वो ट्राइटैनस के जरिए इस मोती तक पहुंच पाए, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है। मोती? क्या उन्हें पता नहीं वो तो पिछले साल फैशन में था? स्टेला, इसका फैशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रिक्स ने ये मोती पोलिटिया को दे दिया तो वो और पावरफुल हो जाएगी, समंदर के राजा से भी ज्यादा पावरफुल। ये कमाल है, हम स्काई को बचा लेंगे। हमने यूनिवर्स को बचाया है, क्या हमें थोड़ा सा टाइम शॉपिंग के लिए मिलेगा? प्रॉब्लम जितनी दिखती है उससे कहीं बड़ी है स्टेला। इंसानों ने समंदर को दूषित किया है जिसकी वजह से पोलिटिया समंदर में वापस आ गई है। अगर उसने मोती तोड़ दिया तो उसके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी भी समंदर में कोई उसे नहीं हरा पाएगा। अरे नहीं, फिर तो वो पूरी दुनिया के समंदर को दूषित कर देगी। वही उसका मकसद था शुरुआत से ही, पूरे मैजिक ग्रह को अपने आगे झुकाना। वो चुड़ैल भयानक है, बहुत भयानक है। हमें ट्रिक से पहले उस मोती तक पहुँचना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो कहाँ है, और सिल्कीज तुम्हें छोटे रास्ते से वहाँ पहुँचा देंगे। हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं ब्लूम। चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। खतरा बहुत ज्यादा है, मोती की रक्षा रीफ करता है जो कि सबसे भयानक जाल है। मैंने कभी बताया मुझे इस जगह से नफरत है? फिक्र की कोई बात नहीं, रीफ अपने महाराज के लिए दरवाजा जरूर खोलेगा। चलो, आखिरकार ये बदबूदार फिश किसी काम तो आया, कहीं वो सुन ना ले। चलो अंदर चलते हैं। हम आ रहे हैं महाराज। हमें जल्दी ही निकलना होगा, ये जगह गंदगी से भी गंदी है। लगता है ये जगह हमें हमेशा के लिए कैद करके रख लेगी। बिल्कुल नहीं, जब तक हम ट्राइटैनस के साथ हैं सब कुछ ठीक है। और वैसे हमें जल्दी करना चाहिए। हम पहुंच गए। क्या और भयानक जगह नहीं मिली? कम ऑन गर्ल्स, हम अंदर चलते हैं। हम भी साथ आएंगे। नहीं सरीना, तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत किया है, अब यहीं वेट करो। अगर हम जल्दी बाहर नहीं आए या फिर ट्रिक्स और ट्राइटैनस पहले मोती लेकर बाहर आ गए तो प्लीज जाकर ओमनिया को खबर कर देना। ठीक है, जैसा तुम कहो।
आखिर हम पहुंच ही गए। वाओ, ये सचमुच इतना पावरफुल है। जल्दी पता चल जाएगा। ट्राइटनस, रुक जाओ। विंग्स, ये नहीं हो सकता। ब्लूम, आखिरकार फिर मुलाकात हुई। तुमने हमारी बात नहीं मानी तो पिछली बार की तरह बुरी तरह हारोगे। समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ तक पहुँची कैसे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जा सकती। चलो हम मोती ले लेते हैं, अब ट्राइटनस की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। बेवकूफ, ये मोती सिर्फ राजा की बात मानता है। अब मैं बताऊंगा कि इन्फिनिट ओशन का असली राजा कौन है। ट्राइटनस। बढ़िया, तुमने मुझे कैद करवाया था, अब वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम चाहो तो भी इस रीफ से निकल नहीं पाओगे, मतलब अब तुम यहीं रहोगी। महाराज, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप इनसे पीछा छुड़ा लें? ये बहुत खतरनाक हैं और ये कभी भी। खामोश, इनकी किस्मत का फैसला हो चुका है। मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले इन्हें तड़पा कर रहूंगा। लेकिन आपकी जैसी मर्जी महाराज। कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? टाइटनस रीफ को अपने हिसाब से चला रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक चट्टान ही है। हाँ, जिसमें वो हमारे कपड़े बनाने की सोच रहा है। अब क्या करें? यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्यों ना हम डॉल्फिन्स का तरीका अपनाएं? क्या? डॉल्फिन सोनार से अपनी जगह ढूंढती है। हाँ, सोनार एक साउंड है जिसकी तरंगें टकराकर चीजों या जगह ढूंढने के काम आती है, और साउंड मेरी खासियत है। गर्ल्स, मुझे बहुत ज्यादा साउंड वेव्स चाहिए ताकि वो बाहर जा सके। क्या बात है, ये एकदम सही है। और मैं इसके डेटा को इकट्ठा करके थ्री डिमेंशनल होलोग्राफिक नक्शा बना सकती हूँ। टेक्ना। हाँ, याद है मैंने कहा था जरा आसान भाषा में बात किया करो। गर्ल्स, शुरू करो। तो सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत शोर मचाओ। क्या इसे शोर कहते हैं? इससे ज्यादा शोर तो पंजाबी सिंगर्स के शो में होता है। मुझे हिंदी गाने पसंद हैं। हम शोर करेंगे मूसा। वेरी गुड फ्लोरा, करती रहो। परफेक्ट, समझ गई। मुझे लगता है यहाँ कोई सीक्रेट रास्ता है उस तरफ। अच्छी बात है। वाह, क्या बात है। मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये तो जरूर बता सकती हूँ कि ये बहुत ही जहरीले, खतरनाक और भयानक भी लग रहे हैं। चिंता मत करो स्टेला, मैं इन्हें देखती हूँ। नो, क्लियर हो गया, अब चलो। बहुत बढ़िया, अब मुझ में अपार शक्ति आ जाएगी। ट्राइटनस, शायद अब इस मोती को हमें दे देना चाहिए। अच्छा, और ऐसा मैं क्यों करना चाहूंगा? जिसके लिए तुम इस सिंहासन को छोड़ोगे।
तो अब आपके सिंहासन छोड़ने का वक्त आ चुका है महाराज। तुम्हारी हिम्मत के तुम मुझसे इस तरह बात करो? आपको हमारी बात सुननी ही होगी। अपनी हैसियत में रहो। मुझे लगता है अब अदला बदली का वक्त आ गया है। बेवकूफ चुड़ैलों, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि राजा कौन है। ओह सच में? ये क्या? हैरान हो गए? हाँ? ऐसी घटिया हरकतों से तुम मुझे रोक पाओगे? घटिया है लेकिन तुम्हारे लिए काफी है। अभी दिखाता हूँ। चलो अब तुम्हें सिखाता हूँ कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। सच में मुझे लगता है सिर्फ विचिस को ही सबक की जरूरत नहीं है यहाँ। और तुम कौन हो? वो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। धोखेबाज। मैं ऐसा करने के लिए कब से बेताब थी। ले लो। बस इतनी सी ही शक्ति है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये मोती और उसकी शक्ति अब मेरी है। ओ नहीं, ये देखो। तुम्हें मेरी पावर देखनी थी ना? अब ये मोती मेरा है। हमने अपना काम कर दिया है। हाँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब क्या? और अब मैं आखिरकार आजाद हो गई। तुमने हमसे मोती का पावर देने का वादा किया था। हाँ, बिल्कुल किया था विचेस, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस मोती की पावर को तुम सबके साथ बांटना बेवकूफी होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती वादा तोड़ते हुए? ओ, वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए। वादे की तरह अगर तुम्हें तोड़ा जाए तो कैसा रहेगा? रुको, मुझे इस मोती की जरूरत है। मेरी बात सुनो, तुम हथियार डाल दो भयंकरनी चुड़ैल। भयंकरनी शब्द नहीं होता है ना हो, लेकिन मैं इसे यही कहूँगी, मुझे ये भयंकरनी दिखती है। मैंने कहा था इन्हें खत्म करो, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है। पॉलिटिया, मोती दे दो अभी। ओह आई सी, तुम्हें लगता है कि मैं ये मोती तुम्हें दे दूंगी? तुम एक विच होकर इतनी भोली कैसे हो सकती हो? तुम पहले से ही हमें धोखा देना चाहती थी। बहुत हुआ। राक्षसों आओ, इन बेवकूफ परियों को खत्म करो। मेरे पास और भी जरूरी काम है। जो हुक्म मांगे। मतलब मैं 50% वाले सेल में नहीं जा पाऊंगी? इसने मोती को तोड़ दिया तो पूरा समंदर दूषित हो जाएगा और हम स्काई को नहीं बचा पाएंगे। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। तुम ये कर सकती हो ब्लूम। हम राक्षस और ट्रिक्स को संभालते हैं, तुम स्काई को बचाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलो जल्दी चलो ब्लूम की हिफाजत करें। लोटस फ्लावर। समझ गई, इसे मैं देखती हूँ। ओह ग्रेट, इन चुड़ैलों के पास और कोई काम नहीं है क्या? पकड़ो उन्हें, रास्ते से हटो। हाँ, आखिरकार ये मेरा हो गया। ओ नहीं, ये मैजिक ग्रह के पूरे समंदर को दूषित कर देगी। डैड, ये क्या है? नहीं, ये तो पेट्रोलियम है। हमें उसे रोकना होगा। ब्लूम संभल के, वो बहुत ताकतवर है। अब हम इसे रोकें कैसे? हम जो कर सकते हैं करेंगे। हाँ चलो। आ,
वर्चुअल प्रोटेक्शन। इतनी जल्दी नहीं, ये भी तो ट्राई करो। पक्का सेम हिट। ब्लूम, तुम जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। टाइटेनस को तो मैं देख लूंगी। संभल कर, ये लो। मुझे मोती दो। कभी नहीं। मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। देर हो गई। ब्लूम, इससे सिंहासन पर चोट करवाओ। नहीं स्काई, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो भी प्लान है, पर फिर भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, तो दिखाओ अपना पावर। तो ये देखो। ब्लूम, संभल के। स्काई, नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। नहीं। स्काई, वो मोती ले आओ अभी। मिल गया। ये क्या? ओमनिया, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। पॉलिटिया, तुम मुझे नहीं रोक सकती, इस बार तो बिल्कुल नहीं। ब्लूम, वो मोती, सिर्फ अच्छे दिल वाले ही समंदर के बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं, हमारे पास है ये लो मोती। थैंक यू फ्रेंड्स। ट्रिक्स, ट्राइटेनस, रोको उन्हें। अब रास्ता साफ है ब्लूम। नहीं, इसे मुझे दे दो परी, इसमें इतनी पावर है कि तुम बर्बाद हो जाओगी। वही पुरानी धमकी। हाँ, बहुत बोरिंग है। देखो कि छह पवित्र और बहादुर आत्माएं मिलती है तो क्या होता है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। गर्ल्स, सब साथ आ जाओ। विंग्स कन्वर्जेंस। हमें काम आका है पुलिसिया, खेल खत्म। ये नहीं हो सकता। नहीं। होते ही इसके लाइफ फोर्स को सिंहासन ने ले लिया। अब ये तुम्हें नहीं सुन सकता। ये ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले देखना होगा इस स्लीपिंग ब्यूटी को कैसे जगाया जाए। क्या एक किस से? कितना रोमांटिक होगा ना।
शायद एक रास्ता है। ब्लूम, स्काई, तुम ठीक हो? लेकिन हुआ क्या था? मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था इन्फिनिट ओशन और ट्रिक्स के बारे में और ट्राइटनस के बारे में। ट्रिक्स तो वहाँ से भाग निकली, ट्राइटनस फिर से ओब्लिवियन से गायब हो गया है। मोती को जहाँ होना चाहिए था वहाँ पहुँच गया है और हम जीत गए हैं। तुम्हारा मतलब ये कोई सपना नहीं था? नहीं, ये सपना नहीं था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन क्या हुआ? कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। नहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि इस बार गार्डेनिया में हमारा दिन एकदम नॉर्मल होगा, पर नहीं था। हाँ, नहीं था, और इसके लिए तुम्हें भरपाई करनी होगी, समझे? This movie is encoded by Toon World for all.me. चलो, मोती वहाँ पहुँच गया जहाँ से होना चाहिए था, और हम समंदर के बैलेंस को वापस ले आए। उम्मीद करते हैं इंसान फिर से ये गलती नहीं करेंगे। तुम लोग चुप रहोगे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती? और वैसे भी तुम्हें इतने दूर से कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि मुझे लिप रीडिंग आती है। अभी अभी उसने कहा कि वो मेंढक जैसा दिखता है। इसका क्या मतलब है? स्टेला, किसी की जासूसी करना बुरी बात है। ओह, तो मैं अगर इनका लवी डवी सीन देखकर इमोशनल होकर नहीं रोऊंगी तो मैं अपनी आंखों से बहने वाले कीमती आंसू अपने इस कीमती डिजाइनर रुमाल से कैसे पोछूंगी? सला, तुम भी ना कभी नहीं बदल सकती। कुछ लोग बदलते हैं और कुछ लोग स्टाइलिश। ओह, सच में स्टाइलिश कौन है यहाँ? कोई भी नहीं, क्योंकि किसी के पास भी रुमाल नहीं है। क्या मैं तुम्हें स्टाइलिश नहीं लगती? ये हैंडक्राफ्टेड डिजाइनर रुमाल है। कीको, थैंक यू सो मच, मैं आइसक्रीम के लिए मरा जा रहा था।